कितना अच्छा होता ना अगर आप स्मृति मंधाना को आपने टीम में नहीं रखा होगा, कितना अच्छा होता अगर आपने एलिशा हैली को अपनी टीम में ना रखा होता। मतलब दोनों ही फ्लोप हुए ना, दोनों ही फ्लोप हुए। स्मृति मंधाना ना कुछ कर पाई, ना एलिशा हैली कुछ कर पाई। यानी कि देखो यार, बड़े नाम होना एक अलग चीज है, किसी मैच में परफॉर्म करना एक अलग चीज होती है। और वो तो मैं आपको हमेशा से बोलता ही आ रहा हूं कि थोड़ा सा समझ के चलो, आप बहुत अच्छा करोगे फैंटेसी में, मैं आपको गारंटी देता हूं। ऐसा करना कि यार स्मृति मंधाना बहुत अच्छी प्लेयर है, हमको लेके जाना ही पड़ेगा। सिलेक्शन है ना भाई, 90% सिलेक्शन है, क्या ही करे, 85% सिलेक्शन है, क्या ही करे। तो क्या 90% लोगों ने ले रखा है, तो आपको लेना जरूरी ही है। मैंने एकदम डायरेक्ट आपको वीडियो में बोला था कि अगर आप ग्रैनली के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वहां पर आप इन दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर स्मॉल लीग में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है कि किशन भाई यार हम इस प्लेयर को लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, तो वहां पे भी आप है, आपके पास ऑप्शन है स्मृति मंधाना को ड्रॉप करने का, आपके पास ऑप्शन है एलिशा हैली को ड्रॉप करने का। बस भाई वीडियो देखा होगा उसने तो ऑफकोर्स किया होगा सारा कुछ, ऐसी चीजें जो मैं वीडियो में बोलता हूं। नहीं देखा होगा यार उसका तो क्या ही कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे ग्रैस हैरिस का अनएक्सपेक्टेड लगा कि उसने गेंदबाजी वगैरह की, शायद वो भी हमारी टीम में होनी चाहिए थी, तो बहुत ज्यादा अच्छा ये मैच हो सकता था। बाकी दीप्ति शर्मा, मैंने आपको बोला था कि भाई ऐसी प्लेयर है ना दीप्ति शर्मा अच्छा फिनिश कर सकती है, विकेट कीपिंग में आपको पॉइंट दे सकती है, वो एडवांटेज तो देखिए मिलता ही है विकेट कीपिंग का। तो काफी अच्छा खासा था, मैं तो यही बोलूंगा कि थोड़ा समझोगे तो बहुत बेटर करोगे। अब आज WPL का तीसरा T20 मैच है गुजरात के अगेंस्ट आज कौन खेलेगी, गुजरात के अगेंस्ट आज खेलेगी मुंबई इंडियंस वुमेन्स की टीम, जो पहला T20 मैच जीत के आ रही है। जीत के नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो कि हारा हराया मैच जीत के आ रही है। एक बॉल में 5 रन चाहिए थे भाई, लगा दिए 5 रन, छक्का मारा, एक एक्स्ट्रा भी चाहिए होता तो वो भी बन जाता। तो मुंबई वर्सेस जो टीम है गुजरात की टीम, उसका आज मैच है। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करने की कोशिश करूंगा। सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं पहले, सारे लोग पहले क्या है ना, वो वीडियो को लाइक कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपके दोस्त फैंटेसी खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुजरात वर्सेस मुंबई का तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा अगेन इसी सेम बेंगलुरु की विकेट पे ये मैच खेला जाएगा। और बेंगलुरु की विकेट कैसी है, बेंगलुरु की विकेट ऐसी है मेरे भाई, रन्स दिख रहे हैं, रन्स बन रहे हैं, बाउंड्रीज उतनी बड़ी होती नहीं है, डायमेंशन छोटी रहती है। एक चीज मुझे अच्छी लगी, आउटफील्ड, अगर आपने लाइव मैच देखा हुआ तो आउटफील्ड आपने देखा होगा कि अगर गैप में गई तो भाई आपके 4 रन लिखे हुए, उसको रोक पाना उतना इजी नहीं है। और स्पेशली तो देखिए महिलाएं खेल रही है, अगर न्यूजीलैंड के प्लेयर होते तो शायद रोक भी लेते, लेकिन आउटफील्ड काफी तेज है और आउटफील्ड का बेनिफिट मिलता है बैट्समैन को, तो बैटिंग वाइज थोड़ा अच्छा जा रहा है। लेकिन अभी यार स्पिनर्स जो लैग स्पिन किया था कल, शोभना ने 5 विकेट निकाली है, यानी कि 5 विकेट निकालना, स्पिनर्स को डेथ में भी गेंदबाजी देना, 20वां ओवर डलवाना, फिर 11 रन नहीं बनना, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प दिखी है। हालांकि पिच पे पेश है, पेसर्स ने भी विकेट निकाली है, लेकिन स्पिनर लैक स्पिनर्स ने स्पेशली है वो अच्छी गेंदबाजी की है, तो रन्स बोर्ड पे दिख रहे हैं। 160-165 वाली विकेट है ये। अब विकेट्स देखोगे तो मैं बोलूंगा लैग स्पिन कहां पे है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक छिपा छुपाया लैग स्पिनर है इस प्लेइंग 11 में आज के मैच में, आगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो विकेट अच्छा है, रन सभी बन रहे हैं, थोड़ा सा स्पिनर्स आए हैं गेम में, स्पिनर्स ने है जो कि विकेट निकाली है, तो ऐसा कुछ है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम गुजरात की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, जो अपना पहला T20 मैच खेलेगी इस WIPL का। देखिए गुजरात की प्लेइंग 11 में सबसे पहला नाम आता है बैथ मुनी का, जो कैप्टन भी है गुजरात की, वो ओपन करेगी। और उनके साथ आपको फॉयब लिचफील्ड, जो ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, वो आपको दिख सकती है। इसकी जगह आपको जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर है वोलावर्डर,
वो भी आपको ओपन करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मुझे थोड़ा सा जो बैटर है वो फोएब लिचफील्ड का लग रहा है, आपने इनको बिग बैश में देखा होगा। तीसरे नंबर पर आपको हरलीन देओल है, फोर्थ नंबर पर एसलेन गार्डनर जो कि ऑफ स्पिन करती है, अच्छी बैट्समैन भी है, साला ये इंडिया के अगेंस्ट जब खेलने आते हैं ना तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनको पता नहीं आईपीएल में फॉरेनर्स को क्या हो जाता है। दयालन हेमलता है, वेदा कृष्णमूर्ति है छह नंबर पर, बात करेंगे वेदा कृष्णमूर्ति को लेके भी, कैथरीन ब्राइस है, उसके अलावा लिया तुहू है सात आठ नंबर पे, नौ नंबर पर स्नेहा राणा है, दस नंबर पे तनुजा कंवर है जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करती है, और मेघना सिंह, ये 11 प्लेयर्स आपको दिख सकते हैं गुजरात की पॉसिबल प्लेइंग 11 में गुजरात की तरफ से खेलते हुए। बॉलिंग ऑप्शन देखना, हरलीन देओल लेग स्पिन कर लेती है लेकिन ज्यादा गेंदबाजी नहीं करती है, एक ऑप्शन, एसलन गार्डनर दो, हेमलता भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी करती है, कैथरीन ब्राइस है ये तीन नंबर गेंदबाज, तुहू चार, स्नेहा राणा पांच, तनुजा कंवर छह, मेघना सिंह सात, सात बॉलिंग ऑप्शन है लेकिन हरलीन देओल उनके ओवर कटने के चांसेस रहेंगे। उसके अलावा स्नेहा राणा दो से तीन ओवर आपको दे सकती है, उसके अलावा मुझे लगता है कि तनुजा कंवर आपको दो से तीन ओवर दे सकती है, ऐसा कुछ रहेगा। मेघना सिंह है जो कि अपने कंप्लीट ओवर डाल सकती है। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 यहाँ पे आपके लिए रहेगी गुजरात के लिए। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 आपको सेम दिखेगी जो कि लास्ट मैच में हुई, यास्तिक भाटिया के साथ हाइलिन मैथ्यूज, थर्ड नंबर पे नटालिया शिविर ब्रांड, फोर्थ नंबर पे हरमनप्रीत कौर, पांच नंबर पे अमीलिया केर, छह नंबर पे पूजा वस्त्राकर, सात नंबर पे अमनजत कौर, संजीवनी सज्जाना जिन्होंने छक्का मार के मैच जिताया था लास्ट बॉल पे, उसके अलावा एस कैथराना लेग स्पिन करती है, शोभना इस्माइल, शायका इशाक, ये 11 प्लेयर आपको दिख सकते हैं। इनकी तरफ से लास्ट मैच में ना नटालिया शिविर ने डेथ में गेंदबाजी की थी और सॉरी अमीलिया केयर ने डेथ में गेंदबाजी की थी, जी हाँ अमीलिया केयर ने लास्ट मैच में 18वां और 20वां ओवर डाला था, हालांकि थोड़ी सी पिटाई हुई थी, बाकी मुझे लगता है जो एक डेथ की रहेगी वो नटालिया शिविर इनफैक्ट रहेगी डेथ में गेंदबाजी डालने के लिए। स्टार्टिंग शोभना इस्माइल से होगा, बाकी हम लोग बात करेंगे प्लेयर वाइज स्टैट्स में जब हम टीम बनाएंगे आपको क्या कुछ करना है, समझ गए। ओवर्स कट सकते हैं क्योंकि देखिए पूजा वस्त्राकर ने लास्ट मैच में केवल दो ही ओवर डाले थे। जो कीर्थाना की मैं बात कर रहा हूं जो लैग स्पिन करती है 10-9 नंबर पे आपको दिखेगी, उसने केवल एक ही ओवर डाला, आज शायद कल शोभना की गेंदबाजी को देखते हुए कुछ ओवर सब वो दे दे अमनजीत कौर। अमीलिया ने अपने चार ओवर डाले, नटीलिया ने अपने चार ओवर डाले, हाइली मैथ्यूज ने दो ओवर डाले, अमनजीत कौर ने कुछ खास किया नहीं, मैंने लास्ट मैच में बोला भी था तो कुछ खास फोकस रहता नहीं है, शोभना इस्माइल ने है वो तीन ओवर डाले, तो इस तरीके से है इन्होंने ओवर डाले हैं, समझ गए। तो ये पॉसिबल प्लेइंग 11 मैंने आपको बता दिया कौन कहां गेंदबाजी करता है और कितने ओवर्स है जो कि करती है टीमें जब ये खेलती है। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपको टीम कैसे बनानी है, चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल आप अपनी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, देखिए यहां से आपको जुड़ जाना चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्यों जुड़ जाना चाहिए, देखिए टॉस के बाद बहुत सारी अपडेट्स आती है, जैसे कि पीएसएल के मैचेस भी चलते हैं और भी मैचेस चलते हैं, तो उनकी टीम आपको फाइनल है वो यहां पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल से। अब चलिए यहां पे देखते जाइएगा, आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग है वो विकेट कीपिंग ऑप्शन से शुरू करेंगे, जहां पे आपके पास ऑप्शन है बैथ मुनी का, यास्तिका भाटिया का, वेदा कृष्णमूर्ति का, ये तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे, तीनों के खेलने के चांसेस है। बैथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, मुझे बहुत बढ़िया लगती है तो मैं बैथ मुनी को अपनी टीम में ऑफकोर्स रखूंगा। यास्तिक भाटिया ने लास्ट मैच में काफी बढ़िया किया, विकेट कीपिंग भी करती है, मैं यास्तिक भाटिया को रखूंगा। वेदा कृष्णमूर्ति की हम बात करते हैं, एक बहुत अच्छी इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने कम से कम 60-70 मैच जब इंडिया के लिए खेले अच्छी फॉर्म में थी, लेकिन अभी रिसेंट में आउट ऑफ फॉर्म दिखी जिसकी वजह से इनको इंडियन टीम से भी बाहर किया गया। बाकी प्लेयर ये बढ़िया है लेकिन मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट यहां से रहती है वो यास्तिक भाटिया और बैथ मुनी रहती है, तो मैं इन दोनों के साथ जरूर जाऊंगा। बैटिंग सेक्शन में हरमनप्रीत कौर, वोलावर्डट, लिचफील्ड है, हरलीन देओल है, हेमलता है, अमनजत कौर है, संजीवनी सज्जना है, ये आप देखोगे तो आपको चार और तीन सात, देखिए
हरमनप्रीत कौर को मैं लेके जाऊंगा। लास्ट मैच में मैंने आपको एज ए डिफरेंशियल पिक कहा था क्योंकि सिलेक्शन काफी कम था। उसके अलावा वो लाउडर्ड अफ्रीका के प्लेयर है, अभी रिसेंट में इनका ये आउट ऑफ फॉर्म रही है, अच्छा इन्होंने किया, नहीं प्लेयर बढ़िया है, ये बिग बैश में भी अच्छा, जो वुमेन्स बिग बैश चलती है वहां पर ठीक ठाक खेलती है, रिसेंट में अच्छा नहीं खेली, खेलने के चांसेस भी कम रहेंगे बिकॉज ऑफ लिचफील्ड के ज्यादा खेलने के चांसेस रहेंगे। अगर खेलती है तो ठीक प्लेयर है ये, ऐसी सिचुएशन में अच्छा कर सकती है ऐसी विकेट पे। लिचफील्ड फोबिया लिचफील्ड मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट गेम चेंजर कैप्टन भी बन सकती है, मैं टीम में तो रखूंगा लेकिन आपको बोलूंगा गेम चेंजर कैप्टन भी बन सकती है। हरलीन देओल प्लेयर बढ़िया है, ज्यादा गेंदबाजी नहीं करती है, हालांकि लेग स्पिन कर लेती है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की दिक्कत रहती है। हेमलता का भी मैं सेम बोलूंगा कि कुछ खास मुझे दिखा नहीं अभी तक जितना मैंने इनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है। अमनजत कौर का ज्यादा रोल रहता नहीं है, गेंदबाजी करती नहीं है, बैटिंग में नीचे आती है। सजीवनी सजना गेंदबाजी ज्यादा आपको करती हुई दिखेगी नहीं, लास्ट मैच में भी शायद एक या दो ही ओवर डाला था और थोड़ा सा नीचे भी बैटिंग करती है। तो यहां से मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे हरमनप्रीत कौर रहेगी और यहां पर लिचफील्ड रहेगी, उसके अलावा अगर खेलती है वो लावरडट तो वो आप लेके जा सकते हो, समझ गए। तो ऐसा कुछ आप बैटिंग सेक्शन में कर सकते हो। ऑलराउंडर में मैथ्यूज है, नटालिया है, अमीलिया है, गार्डनर है, स्नेह राणा है, के ब्राइस है, कैथरीन ब्राइस है। मैं आपको बता दूं कैथरीन ब्राइस के बारे में हम बात करेंगे, बाकी कीथ राणा है, ये आप देखोगे सात प्लेयर आपको दिखेंगी यहाँ पे। हाइली मैथ्यूज ऑफकोर्स आपको दो तीन ओवर भी डाल के देती है, आपको ओपन भी करते हुए दिखती है। नटालिया शिविर आपको डेथ में गेंदबाजी देती है, चार ओवर भी डालती है, अच्छी बैटिंग भी करती है। अमीलिया कैर लास्ट मैच में डेथ में भी गेंदबाजी की इन्होंने। एसेलना गार्डन आपने जानते होंगे, ऑफ राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करती है, बैटिंग भी बढ़िया कर लेती है, बेस्ट कैप्टन ऑप्शन भी बन सकती है। स्नेहा राणा थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी करती है, लास्ट में आके कुछ हिटिंग भी कर देती है, अच्छी प्लेयर है फिनिश करने के लिए। कैथरीन ब्राइस की बात करते हैं, स्कॉटलैंड की प्लेयर है ये, स्कॉटलैंड की कैप्टन भी है शायद, मुझे लगता है बढ़िया प्लेयर है ये स्कॉटलैंड की, जहां तक आपने अगर इनको देखा होगा किसी टीम के साथ खेलते हुए तो स्कॉटलैंड की तरफ से सबसे बेस्ट पॉइंट्स ये निकालती है। बाकी किथराना मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा गेंदबाजी शायद ना मिले, ग्रैंड लीग में शायद आपके लिए ट्रंप पिक बन जाए क्योंकि लैग स्पिन करती है, ज्यादा गेंदबाजी इनको मिली नहीं लास्ट मैच में, बट लास्ट मैच देखते हुए शायद लैग स्पिन से गेंदबाजी निकल जाए। तो मेरे लिए यहां से मैथ्यूज नटालिया अमीलिया गार्डनर और यहां पे के ब्राइस, एक ऑप्शन आपके पास है स्नेहा राणा का जिसको आप रख सकते हो, लेकिन ये पांच मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे यहां से ऑलराउंडर सेक्शन से, समझ गए। उसके अलावा बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं, शबनम इस्माइल है, पूजा वस्त्राकर, शाइका इशाक, तुहू है, इजी वोंग के खेलने के चांसेस है नहीं, बाकी यहां से कोई भी मुझे लगता है कि खेलता हुआ आपको नहीं दिखेगा तो भाई नहीं दिखेगा। यहां से आप देखोगे तो मुझे लगता है इस्माइल थोड़ा सा स्टार्ट में मूवमेंट मिला, अगर विकेट निकल गई तो निकल गई, बाकी बाद में इनके लिए ज्यादा मदद रहती नहीं है। वस्त्राकर के मैंने आपको लास्ट मैच के दौरान भी बोला था ओवर्स कटने के चांसेस रहते हैं, ऑफकोर्स कटेंगे। शाइका इशाक आपको तीन से चार ओवर दे सकती है, तो शाइका इशाक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तुहू एक बहुत बढ़िया गेंदबाज है, तो आप तुहू को मुझे लगता है कि ड्रॉप करने का ना ही सोचे, तो यहां से मुझे ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। यहां से अगर आप ऐड करना चाहो तो आपके पास ऑप्शन है पूजा वस्त्राकर का, जी हाँ पूजा वस्त्राकर का आपके पास ऑप्शन है जिसको आप ले सकते हो, समझ गए। पूजा वस्त्राकर एक ऑप्शन है जिसको आप अपनी टीम में रख सकते हो यहां से। तो मेरी टीम क्या हो गई, मेरी टीम ये हो गई मैथ्यूज नटालिया अमीलिया गार्डनर, उसके अलावा ब्राइस हो गई, हरमनप्रीत हो गई, लिचफील्ड हो गई, और यहाँ पे आप देखोगे बैथ मुनी और यास्तिक भाटिया हो गई। ये हो गई सीबीसी, देखना सीबीसी आपके पास अमीलिया कैर है, नटालिया शिविर है, मैथ्यूज है, गार्डनर है। मैं बोलूंगा देखिए हाइली मैथ्यूज का अभी भी बेस्ट जो आप देखोगे तो कैप्टन में 25% है, बेस्ट आपके लिए अमीलिया नटालिया हाइली गार्डनर, ये चार ही रहेगी। यहां से मुझे लगता है आपके लिए नटालिया जो कि डेथ में गेंदबाजी करती है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है कैप्टनसी के लिए, तो मैं नटालिया को कैप्टनसी दूंगा। वाइस कैप्टनसी के लिए मैं आपको मैथ्यूज को ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा एलिशा गार्डनर और अमीलिया कैर। अमीलिया कैर आपको लैग स्पिन के चार ओवर देती है,
स्पेशली अगर मुंबई इंडियंस की टीम पहले बैटिंग कर रही है, आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हो अमेलिया कैर को, अदरवाइज आप एसलिन गार्डनर के साथ है वो एज ए वाइस कैप्टन जा सकते हो, समझ गए। ऐसा कुछ आप कर सकते हो, टीम क्या बनी, बैथ मुनी, यास्तिक भाटिया, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर का हालांकि लास्ट मैच में 4 रन पे इजी कैच ड्रॉप हुआ था। लिचफील्ड को लेके मैंने आपसे कुछ बात की थी, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा होगा तो आपको पता चलेगा, नहीं देखा है तो जाके देखो, छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प करेगी। मैथ्यूज, नटालिया सिविल कैप्टन, अमीलिया, गार्डनर, ब्राइस, इशाक और तुहु, ये 11 प्लेयर्स मुझे लगता है, और इसमें शायद ही कोई चेंजेस होंगे, सीवीसी में चेंजेस हो सकते हैं, बाकी मुझे ज्यादा चेंजेस है वो लग नहीं रहे कि मेरी टीम में ये हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप टीम बनाइए, बेस्ट करेंगे, बाकी कुछ चीजें आपको बताई है उन पे थोड़ा सा, जब आप ग्रैनली के कॉम्बिनेशन बनाते हो तो आपको थोड़ा सा उन पे वो डीप जाना पड़ेगा, उनके इर्द गिर्द आपको सोचना पड़ेगा, तभी भाई बेस्ट कर पाओगे, अदरवाइज फिर कॉपी पेस्ट में कुछ भी नहीं रखा है। मैं हमेशा बोलता हूं किसी का कॉपी पेस्ट मत करो, समझो जो आपको समझाया जाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दो यार सारे लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।